बिहार में बेतिया जिले के गंडक पार प्रखंडों में चल रही अवैध आरा मशीनों पर कार्रवाई के लिए वन विभाग अब सक्रिय नजर आने लगा है, जिसके तहत डीएफओ बगहा के एसडीएम और रेंजर की संयुक्त टीम ने अवैध आरा मशीनों पर छापेमारी कर मौके से भारी मात्रा में लकड़ियों को भी जब्त किया है। और एक रिपोर्ट में देखिए, गंडक पार के प्रखंडों में डीएफओ संजीव रंजन द्वारा की गई छापेमारी से सभी अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। कई आरा मशीन मालिक भागते देखे गए, तो वहीं डीएफओ ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर अवैध आरा मशीनों पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि 6 आरा मशीनों को जेसीबी से उखाड़ते हुए लाखों रुपए की लकड़ियों को भी जब्त किया गया है और मालिक पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं एक ट्रैक्टर और एक बोलेरो को भी जब्त किया गया है। पुलिस के सहयोग से आज हमने यहाँ छापेमारी और 6 आरा मिल को ध्वस्त कर दिया है। इसमें लाखों की लकड़ियों को हम सीज कर रहे हैं और जो भी 6 इस आरा मशीन के मालिक हैं उनके ऊपर FIR होगा और इस पर केस चलेगा। हमें जो सूचना मिली है कि यहाँ उत्तर प्रदेश से के गांव के लोगों के द्वारा यह आरा मशीन चलाया जा रहा है और अभी जब उन्हें सूचना मिली तो वो भाग चुके थे, तो उन्हें गिरफ्तार करने की भी कार्रवाई की जाएगी। We'll be right back.